हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी सुबह की बज चुकी है 11 और मैं चाय पी चुकी हूँ और अब मैं साफ कर रही हूँ भिंडी। आज सैटरडे है तो आज लव्या की कोई ऑनलाइन क्लास नहीं है। नमन की ऑनलाइन क्लास थी तो वो ले चुका है और अभी उसका ब्रेक चल रहा है। और ये देखो, लव्या उठते ही भिंडी साफ करने लग गई है। लव्या जब भी देखती है कि मम्मी भिंडी साफ कर रही है, ये उठी और उठते ही ना इसने ब्रश किया, सीधा उठते भिंडी साफ करने बैठ गई है। उठते ही ये पटापट गई किचन में और भिंडी साफ करने के लिए नाइफ ले आई है। गाइस, इसको भिंडी साफ करने का इतना शौक है ना, ये जब भी देखती है कि मम्मी भिंडी साफ कर रही है तो ये आ जाती है अपना नाइफ लेके कि मैं अभी भिंडी साफ करवाऊंगी। क्या मजा आता है भिंडी साफ करने में, बहुत मजा आता है। गाइस, इसको बहुत अच्छा लगता है भिंडी साफ करने में, पता नहीं इसको क्या खुशी मिलती है। मैं कुछ और कर रही होंगी तो ये कभी नहीं आती, लेकिन भिंडी देखते ही ये तुरंत आ जाती है भिंडी साफ करवाने। हाँ, मम्मी की हेल्प और कामों में तो कभी भी नहीं कराते। कल बस रूम बनवाई थी। जो काम करवाने का होता है वो तो तुम करते नहीं हो कभी, है? जब मैं कहती हूँ ये काम कर दो, वो तो तुम करते नहीं हो। मुझे अगर आपने बोला नीचे जा हुआ कि ये दे या ये ले, हर बार मैं जाती हूँ। लेकिन जो घर में सामान फैलाते हो, जैसे कोई टॉय लेके आए उससे खेला फिर ऐसे फेंक दिया, वो अलग बात है। वो अलग बात क्यों है? तो वो भी तो आपका काम है, आपको समेट के रखना चाहिए। अच्छा, आपने ऑनलाइन क्लास ली, बुक्स ऐसे फेंक के चलते बनते हो, बैग को समेटते नहीं हो कभी भी, तो ये किसकी गलती होती है बताओ? मेरी होती है, मेरा काम है ये समेटना। पढ़ाई तुम करो। मम्मी ईवीएस की क्लास है, जल्दी जल्दी ईवीएस की बुक ले आओ। मम्मी जल्दी जल्दी मैथ्स की नोटबुक ले आओ। ये किसकी ड्यूटी है? अगर आप क्लासरूम में बैठ के स्कूल में ऑनलाइन क्लास लोगे तो वहां पे कौन सी मम्मी आएगी आपको बुक्स देने या नोटबुक्स देने? तब तो हमारे पास बुक्स होती है। अच्छा, तब होती है बुक्स आपके पास। अब बैठोगे उस रूम में और बुक्स होंगी किसी और रूम में। तो गाइज, अभी बनाते हैं भिंडी की सब्जी और फिर आपको मिलते हैं। और नमन गया हुआ है बुआ के फ्लोर पे। तो गाइज, अभी दोपहर की बज चुकी है 3 और लव्या और नमन दोनों कर रहे हैं अपना लंच, या ब्रेकफास्ट भी कह सकते हो क्योंकि उठे लेट थे। लंच कम ब्रेकफास्ट, ब्रंच दे रही हूँ, पानी दे रही हूँ क्योंकि आज सैटरडे है तो उठे ही लेट है तो एक ही बार खाना खाते हैं ये। और ये अभी ट्यूशन का काम कर रहे थे तो ये देख सारा बेड इन्होंने फैला रखा है। हाँ जी, खाना खा के सबसे पहले ये बेड समेटना पूरा। जो तुम्हारी बुक्स हैं, इसकी है ये सारी बुक्स? तेरी भी तो आएंगी कुछ। ये बैग तो तेरा है ना, रेड वाला? फिर ठीक है बेटा, खाना खा लो और उसके बाद ये सारा समेटना। और आज लंच में बनी है इनकी फेवरेट भिंडी। तो ये दोनों ही खुश है आज क्योंकि दोनों का फेवरेट लंच बना हुआ है। तो अभी कर लेते हैं लंच, उसके बाद ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, 3:30 बजे की ट्यूशन होगी। गाइस, अभी हम ट्यूशन जा चुके हैं। ये क्या हो रहा है? हाँ, आधा 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 मुंह के छुपा रहे हैं। इधर दिखा, आज ये सुबह गया था नीचे फूफा जी वाले फ्लोर पे। इधर दिखा ना, दिखा तो सही। तो क्या हो गया? चंपी तो और कोई कराता ही है। आज इसको फूफा जी ने बना दिया चंपू, इसको कर दी तेल मालिश। कोई बात नहीं, बालों को भी नरिशमेंट चाहिए होती है, कभी ऑयल नहीं लगवाता ना। आज फूफा जी ने गाइस इसको पकड़ा और भर भर के तेल लगा दिया इसको। 2 महीने तेल इसने पिछले 2 महीनों से इसने तेल नहीं लगाया। 2 महीने से ज्यादा ही हो गए हैं। मेरे हाथ तो ये लगता नहीं है। फूफा जी ने इसको पकड़ा और इसको अच्छे से मालिश कर दी। अब मेरी बात सुन, पूरी 6 बज चुकी है तो मेरे साथ ऊपर चल, कपड़े ठंडे हो गए होंगे, चल उतारने चले। अच्छा मम्मा सुनो, वो मुझसे ना 3D टेबल पूछता रहना। ठीक है, लर्न होगी 3D की पूरी? लर्न भी हुई थोड़ी सी, अभी रहती है। कोई बात नहीं, कोई नहीं, मम्मा करा देंगे। तेरे को ज्यादा आता है, अपना काम कर, चल चल मेरे साथ ऊपर चल। ये क्या, 6 बजे अंधेरा हो गया 6 बजे? गाइस बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है ऊपर। कैसा लग रहा है ऊपर? ज्यादा ना वो मत बन, जुखाम हो जाएगा। गर्मी है गर्मी। चल 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 पागल। लव्या तू तो कैप कर ले भाई, बहुत ठंड हो रही है ऊपर। ये देखिए गाइस, कपड़े हिल रहे हैं बहुत तेज तेज क्योंकि हवा चल रही है। मैं कपड़े उतारती हूँ, पक्षियों का दाना डाल दे, ठंड हो रही है। ठंड भाई, कुछ नहीं पड़ा गाइस, अभी डालते हैं। हाँ तो अभी 3 डालेगी ना।
डाल चलो भाई। यहाँ पर अभी तुम्हें तो अंधेरा होने वाला, तो पक्षी अपने घर चले गए सारे के सारे। तो अभी हमने दाना डाल दिया, तो ये सारे इस पे पोटी लगी हुई है, क्योंकि इधर से इधर कर जाते गाइस, इधर बैठते तो पोटी कर जाते इसके ऊपर। पानी में डालेंगे अभी। क्या हो गया रे, तू पागल? हाँ तू पागल है। यहाँ पर अभी मैंने पानी बदल दिया और अभी चलते हैं नीचे। मम्मी और लवे तो गई, मम्मी ने अपने कपड़े उतार गई, चलते हैं हम भी। और गाइस पूरे हाथ एकदम सुन हो गए ऊपर आते ही, मतलब इतनी ठंडक है, एक बूंद भी पानी नहीं लगा मेरे हाथ पे, लेकिन पूरे हाथ सुन हो गए। चलते हैं अभी। भाई ये देख सकते हो इसके अंदर पूरा दाना पड़ा है। ये रहा मेरे कपड़े। करा दो। अच्छा चल पूछती हूँ। चल सुना, टू टाइम्स थ्री इज इक्वल टू। चल वन टाइम थ्री इज इक्वल टू थ्री। टू टाइम्स थ्री इज इक्वल टू थ्री। टाइम थ्री इज इक्वल टू एट। टाइम थ्री इज इक्वल टू 24। नाइन टाइम थ्री इज इक्वल टू 10। टाइम थ्री इज इक्वल टू 30। वेरी गुड, पूरी लर्न कराइए थ्री की। तो अच्छा अब क्या खाना है बताओ? मखाने फ्राई कर दूं बटर में? फ्राई करके बटर खत्म हो रहा है बेटा, बटर नहीं फ्राई। बुआ से पूछा जा, पढ़ी है तो बुआ से पूछा जा, पढ़ी है तो ले आ नीचे से। तो मैं नमन से पूछती हूँ। अच्छा हाँ भाई, नमन काल रहा कहाँ पे है तुम? आते ही बैग फेंक देते हो। बैग अच्छा तूने क्या खाना जल्दी बता। क्या जैसे कि बर्गर, पिज्जा, मोमो, चाउमीन। थप्पड़ बर्गर बाहर का नहीं खाना, पापा ने मना किया हुआ है। तू बता, ब्रेड भी नहीं पड़े? नहीं तो चाय ब्रेड बना लेते। चाय कहाँ पीजो सुबह पीजो क्या? अब दोबारा नहीं पीनी फिर? पपाया काट दूं? अरे फ्रूट भी खाना चाहिए एक बार दिन में जरूर। भाई मेरे पास और कुछ नहीं पड़ा है, तो मैंने अभी इनको दे दिए हैं मखाने और बोर्नविटा वाला दूध। और नमन भी यही खा रहा है, लेकिन नमन को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको हेल्दी चीजें पसंद नहीं आती ना, इसको बाहर का गंध पसंद आता है। हेल्दी मखाने हैं, खा ले। खत्म करने हैं? नहीं इतने फिनिश नहीं, अभी पड़े हैं। हाँ लव्या के फेवरेट है मखाने, क्योंकि लव्या तो खा लेती है, लेकिन नमन थोड़ा सा आनाकानी करता है। तेरे को दे दू ये वाले? नहीं खा रहा ये, तो ये ले तू खा ले। ठीक है फिर मैं चाय बना रही हूँ बुआ और मेरी, और नीचे फ्लोर पे जाऊंगी पीने। ठीक है तुम अपना टीवी देख लो। तो गाइस यहाँ मेरी चाय बन चुकी है और मैं जा रही हूँ चाय पीने नमन की बुआ के फ्लोर पे, यानी हमारे नीचे वाले फ्लोर पे। मैंने चाय स्टील के ग्लासों में इसलिए डाली है क्योंकि नीचे पहुंचते तक ही चाय ठंडी हो जाती है। ठंड इतनी हो रही है कि बस ग्लासेस में डालो और चाय ठंडी हो जाती है और मजा नहीं आता, तो इसलिए मैंने स्टील के ग्लास में डाली है। और अब मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही और जा रही हूँ नीचे चाय पीने, और मैं आपको आके मिलती हूँ। तो लव्या की एक्टिविटी जिसमें लव्या बनी है वेदर रिपोर्टर, तो मम्मी बना रही है अभी लव्या की वीडियो। चल लव्या हो जा शुरू। नमस्कार बोलने वाली। भाई नमस्कार नहीं बोलना। मेहरबान कदरदान कदरदान। चुप चुप चुप। आई एम लव्या कालरा फ्रॉम एबीपी न्यूज। टुडे वेदर इज वेरी कोल्ड एंड नाइट वेदर इज -8 डिग्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। वेरी गुड वेरी गुड। इतना ही तो? इतना ही बोला, वेदर रिपोर्ट ही तो देनी है। ये देखो इसका माइक। माइक हमारे पास सारी, तो हमने डीओ को ही माइक बना लिया है और क्या। तो गाइस कल मैं एक जैकेट लेके आया था जो कि बहुत अच्छी लग रही है, मेरे को बताओ कैसी लग रही है। तो खुद ही बता रहा है कि अच्छी लग रही है, तो कोई और क्या बताएगा। तू ही तो कह रहा है ये जैकेट मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। तो अभी हमारा डिनर हो चुका है, कालरा साहब और मैं खा रहे हैं गजरेला, साथ साथ चल रही है पंजाबी मूवी। तो सैटरडे नाइट है, तो हम नाइट में पंजाबी मूवी एंजॉय कर रहे हैं, और इसी के साथ आज का व्लॉग भी एंड करते हैं। अगर आपको हमारी आज की व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।